आज हम देख रहे हैं एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन। सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे, यहां लिखेंगे लेफ्ट। लेफ्ट मींस क्या होता है? बायां। यहां देंगे अपन LEFT लेफ्ट, और यहां देंगे कोई भी टेक्स्ट, इक्वल साइन लगाएंगे LEFT लेफ्ट। मान लो हमने इन्वर्टेड कामा, हमेशा टेक्स वैल्यू इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी जाती है। अपन ने दिया यहाँ पे कंप्यूटर, तो ये लेफ्ट तरफ से वैल्यू लौटाएगा, मींस हमारा आउटपुट क्या प्राप्त होगा? सी। ठीक है, इसी में अपन देख रहे हैं LEFT लेफ्ट, और हमने यहाँ पे दिया मान लो माइक्रोसॉफ्ट, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे, याद रखना कामा कामा लगाया, और अगर हमने यहाँ पे दिया 3 तो लेफ्ट तरफ से 3 वैल्यू लेगा, क्या आएगा? MIC। अगला है इसी में LEFT लेफ्ट, और अगर हमने यहाँ पे दिया है माइक्रोसॉफ्ट स्पेस है, और यहां लिखा है एक्सेल, इन्वर्टेड कामा बंद है, और यहां लिखा है 11, मींस अपन को लेफ्ट तरफ से 11 वैल्यू को काउंट करना है। यहां देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, स्पेस को भी काउंट करेगा 10 और 11। यहां क्या लिखा आएगा आपका? माइक्रोसॉफ्ट ई तक आएगा। ठीक है, ये हो गया अपना लेफ्ट। इसी में अपन देख रहे हैं राइट, RIGHT राइट। राइट मींस होता है दाया। अभी लेफ्ट में लेफ्ट वैल्यू शो कर रहा था, राइट में राइट वैल्यू शो करेगा। यहां देख रहे हैं RIGHT राइट, और यहां अपन को क्या देना है? कोई भी टेक्स देना है, लेकिन टेक्स वैल्यू हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है। यहां लिखेंगे RIGHT राइट, और यहां हमने दिया है इन्वर्टेड कामा के अंदर क्वालिटी दिया है। यहाँ पे क्या बताएगा? राइट तरफ की वैल्यू बताएगा, मींस बाई आएगा यहाँ पे। अगला इसी में RIGHT राइट, और यहां हमने दिया है कीबोर्ड, इन्वर्टेड कामा बंद, और यहां हमने दिया है मान लो 5 वैल्यू, तो ये राइट तरफ से 5 वर्ड को लौटाएगा। यहां आएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5। अगला यहां लिखा है माइक्रोसॉफ्ट स्पेस वर्ड, इन्वर्टेड कामा बंद, और यहां लिखा है 10। तो ये क्या करेगा? राइट तरफ से आपके वर्डों को गिनेगा, 1, 2, 3, 4, स्पेस को भी गिनेगा 5, 6, 7, 8, 9, 10।